नमस्कार दोस्तों, आज है रविवार, तो आज का ब्लॉग संडे ब्लॉग। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। आज रविवार है तो थोड़ा सा फुर्सत मिलता है, आज टाइम्स मिलता है और फुर्सत से एक ब्लॉग बन पाता है। तो फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के लगभग बज रहे हैं 8, सूरज देवता इस पोजिशन पे है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज की दिनचर्या आप तक हम बांटने की कोशिश करते हैं। तो दो दिन के अच्छी खासी बारिश के बाद आज का मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है, धूप अच्छी खासी है, लेकिन दो दिन तक मौसम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो आज घर पे भाई साहब हमारे, भाभी और फिर पापा, ये तीनों लोग आ रहे हैं और भी कुछ रिलेटिव आ रहे हैं, जिसलिए कि हमारे गाँव में एक शादी है तो उस शादी के पर्पज से कुछ लोग आ रहे हैं, तो थोड़ी सी भीड़ भी रहेगी आज। चलिए चलते हैं नीचे और आगे कंटिन्यू रखते हैं इस ब्लॉग को। डीजी खुशी की मारे पूंछ हिला रही है, जब पूंछ हिलाती है इसका मतलब खुश है। तो चलिए चलते हैं बाहर, निकलते हैं अपने चौराहे पे जहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं, देखते हैं आबो हवा वहाँ की क्या चल रही है, गांव का माहौल क्या चल रहा है। इनके बात तो मानी ला, गार्जियन भी हो, दादा बाप भी। यही गांव का कह लीजिए कि चौराहा है और इस तरह की बातें और इस तरह की चर्चाएं चलती है। थोड़ा सा ऐसे ही टहलने, आज रविवार है तो सोचा घूम टहलने थोड़ा सा। गाय के पानी सानी आए ये आम कैसा नचार वाला है, कैसा रहा ये अचार वाला? नहीं नचार वाला, छोट छोट वाला यार। गाय में क्यों के पास अचार वाला आम? अचार वाला आम पता लगाओ क्यों। तो गांव देहातों में एक बात कही जाती है कि अगर आप खेती रखे हैं, खेती कृषि करते हैं, तो दिन भर में कम से कम एक बार खेत पे जरूर घूमना चाहिए। तो जब भी मौका मिलता है तो हम खेत पे आ जाते हैं और फिलहाल आ गए हैं और पीछे बच्चे साइकिल पे, दो बच्चे पीछे और खास में पानी, तो पानी की भी समस्या ये यहाँ पे है, जिसके चलते ये लोग अभी पानी भरने जा रहे हैं बच्चे। चाचा जी का भी हालचाल ले लें खेत पे, इसलिए कि बहुत दिनों से हालचाल नहीं लिए, दो चार दिन हो गया। कुछ फर्क बा कि ऐसे ही बा? अभी नस फटत या दुखा वाला किन का है, दुखा था। टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि 8:30 बजे ही एकदम शरीर से पसीना निकलने लग रहा है। तो चलिए घर चलते हैं और खाई भी ना लो। अरे बदे बहुत बार देखा था ना, ये में सुखाई गई। अरे 5-5, 6-6 रन हो गई, में सुखाई गई 5-5, 6-6 रन। गुच्छा गुच्छा रहा ना, लेकिन सुखाई गई सब। सुखाई गई गेज गई बहुत। चलो हो गया, कहाँ पे चलो हो गया। बज रहे लगभग 12:30 और अभी फिलहाल हम जिस गांव में उपस्थित हैं, इस गांव का नाम है बशौली और एक बैक प्रोग्राम बना तो आ गए हम यहां पे।
खासकर जिस दिन हम एक दिन चर्चा किए थे कि बारिश में आए थे तिलक का, तो तिलक में आए थे तो उसी जगह आज भत्वान है। तो इस सीजन का खेलिए भत्वान पहली बात, यानी भात का, सुबह का चावल दाल सब्जी का आज यहाँ निमंत्रण है और कल इनके यहाँ बारात है। तो रिश्ते में हमारी ये फुफुआउर है यानी बुआ का गाँव है, तो फिलहाल हम यहाँ उपस्थित हैं और चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट बार है इस सीजन में कि भत्वान खेल कर पहुंच गए हैं। हमारा आप लोग को ये सब चीजें दिखाने और बताने का केवल मात्र एक उद्देश्य है कि ये गांव देहात का जो कल्चर है उस कल्चर को आप तक पहुंचाएं और आपको वाकिफ करें क्या क्या है क्या चीज। तो अभी भत्वान में आए हैं और इस चीज को आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं शादी के एक दिन पहले को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इस चीज को भत्वान कहते हैं। तो फिलहाल रुकने की व्यवस्था कहीं और है, अभी खाने का व्यवस्था थोड़ा सा समय लगेगा, तो चलते हैं थोड़ा सा आराम करते हैं। पानी उनी हम लोग ने पी लिया है, अब चलिए आराम करेंगे फिर खाना खाएंगे निकलेंगे। शाम को एक बारात भी अटेंड करनी है, तो देखते हैं समय मिलता है कि जैसा होता है तो ब्लॉक में बने रही है। ये है रुकने की व्यवस्था यहाँ पे, और ये आउटर है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। मकान तो लग रहा है ठीक ठाक बना हुआ है। गांव की प्रथा को देखते हुए अब खाने का बुलावा आ गया है, लगभग 2:00 हो रहे हैं। भोजन हो गया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन। पूरे भोजन कमाई कर रहा कि नहीं? नहीं कमाई कर रहा, कमाई कर रहा घर नहीं कुछ कर रहा। तो चलिए निकलते हैं, भोजन हो गया। तो आज के संडे कुछ इस तरह से बीता, दिन भर की जो दिनचर्या थी आप लोग को दिखाए, शादी का जो थोड़ा सा व्यू है, थोड़ा सा ब्लॉग था, हमने थोड़ा सा डाल दिया है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।